क्योंकि अभ्यास जिसमें ज्यादा है वही हो जाएगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि ये निर्विचार समाधि में पहुंचने के लिए उस निर्विचार समाधि में रह करके कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना है इसके पहले करना है, आपको होमवर्क पहले चाहिए, ये उसका फल है। वहां बैठ करके हम दबा देंगे ऐसा नहीं चलता, अभ्यास करना पहले। उस स्थिति में पहुंचने पर अध्यात्म प्रसाद होता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद निर्विचारस्य वैशारद्य, वैशारद्य शब्द का अर्थ है विशाल होने की स्थिति। ये विशाल शब्द से ही बनता है, तो विशाल में का प्रत्यादि करेंगे, लकार को रकार हो जाता है, और पुरुष में तद्धि तद्धि की स्थिति में वैशारद्य हो जाएगा, मतलब विशारद होने की स्थिति। विशारद का अर्थ है विशाल, तो विशाल हो गया माने निर्विचार का विस्तार हो गया। हाँ, इसलिए शब्द प्रयोग इनका बहुत पुरानी है, तो उस ढंग से उसको समझना पड़ेगा। आजकल हम जो विशारद समझते हैं, निपुण जो बहुत बड़े कुशल होता है उसको विशारद पद दिया जाता है, किंतु एक प्रकार से वो भी निपुणता भी ही है, किंतु यहाँ उसके विशालता दिखा रहे, मतलब ज्यादा लंबाई, विशाल होने पर, ज्यादा लंबा होने पर उसमें निर्विचार की विचार वैशारद्य की स्थिति में अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म की प्रसन्नता होगी, अध्यात्म प्रसन्न होगा। प्रसन्न होने का मतलब आनंद का अनुभव, ऐसा नहीं समझना। यहाँ प्रसाद शब्द कई जगह आता है, प्रसाद का मतलब यहाँ होता है अत्यंत शुद्ध स्थिति। प्रसन्न होने का मतलब शांत शुद्ध स्थिति, जो वस्तु के जैसे स्थिति है उस स्थिति में रहना, ये उसके प्रसाद है, प्रसन्नता। यदि स्फटिक है तो स्फटिक अपनी स्वच्छता में ही रहे तो वो प्रसन्न है, और दूध है तो दूध अपने शुद्ध रहे तो वो प्रसन्न है। इस प्रकार तत्के तत् स्थिति को ही प्रसन्नता कहते हैं, तो अध्यात्म की प्रसन्नता होगी। यहाँ अध्यात्म शब्द प्रयोग करने का ये विशेष अर्थ ये है कि सामान्य में भी विषय संबंध से कुछ प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता से ये अलग है, ये दिखाने के लिए। विषय संबंध से आप कुछ प्रसन्नता समझते हैं किंतु उससे ये अलग है। तो देखिए भाष्यकार इसके लिए क्या कह रहे हैं, अशुद्धि आवरण मल अपेदस्य प्रकाशात्मनु बुद्धि सत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम्। पूरा बता दिया, देखो पहले अशुद्धि आवरण था उसको, किसको, वो जो बुद्धि को, बुद्धि सत्व को, जिसको चित्त का जो अपने स्वरूप हमने बताया था, वो अशुद्धि के आवरण से विक्षिप्त था, इधर उधर घूमता था। अशुद्धि का मतलब विक्षिप्त होना, यही इनका अशुद्धि का अर्थ है। और वो अभी चला गया, प्रकाशात्मना बुद्धि सत्व, उसका स्वरूप क्या है, प्रसन्न प्रकाश रूप में रहना, चमकता, जैसा स्फटिक का अपना स्वरूप चमकता रहना, वो रिफ्लेक्ट करता रहता है, बुद्धि सत्व है। इसीलिए वो सत्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रसन्नता या इस प्रकार के स्थिति जब आती है तो बुद्धि सत्व प्रदान होने पर भी हो जाता है, दूसरे में नहीं होता है। इसलिए बोला रजस तमोभ्याम अनभिभूता, रजस तमस यदि अभी पूरा निकल नहीं जाता किंतु रजस तमस से अभी उसमें कोई हलचल संभव नहीं है, क्योंकि हलचल करने वाला रजस ही होता है, वो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, बुद्धि को अपने स्वरूप में रहने दे रहा है। तब स्वच्छ, अभी देखिए वैशारद्य का लक्षण कर रहे हैं, स्वच्छ वो स्वच्छ रहता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध रहता है। और स्थिति प्रवाह हो वैशारद्य, उसमें एक स्थिति प्रवाह होता है, तत्र स्थितो यत्नः पहले कहा था, तो तत्र स्थिति में जो यत्न में इस स्थिति में अब आ गया, इससे भी आगे और है स्थिति, ये भी एक स्थिति है। निर्विचार वैशारद्य होने पर स्थिति प्राप्त हो गई, स्थिति प्रवाह चलेगा, मतलब वो निरंतर उसकी आवृत्ति चलेगी, वो लंबा चलते रहेगा तो वैशारद्य होगा, वही उसका वैशारद्य है। यदा निर्विचारस्य समाधेर विशा वैशारद्यम इदम जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसादः भूतार्थ विषयः क्रम अननिरोधी स्फुट प्रज्ञालोकः। यही बोलते हैं
कि उस स्थिति में रहने वाले जो योगी है, जब निर्विचार वैशारद्य में रहेगा तो उसको अत्यंत प्रसन्न भाव होगा, अध्यात्म प्रसाद हो। अध्यात्म प्रसाद का मतलब भूतार्थ विषय क्रम अनुरोधी स्फुट प्रज्ञालोक, उसको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार के अभ्यास किया हुआ जो मन है वो मन को कहीं भी लगा दो, उसको उस विषय का यथार्थ ज्ञान साथ में उपस्थित हो जाता है, उसको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, कुछ भी करो तो फटाफट वो प्राप्त कर सके, ऐसे बुद्धि विशेष प्राप्त हो। अभी ये व्याकरण सूत्र आदि लटने के लिए कितना मुश्किल होता है। अब इस प्रकार के कुछ सूक्ष्मता किसी को प्राप्त हो गई ना, उसको दो चार सूत्र लगा दो तो सूत्र पढ़ते ही उसके सूक्ष्मता उसको मालूम हो जाएगी, आगे पीछे का भी वहां उपस्थित होएगा यदि उसमें है तो, ऐसा होता है। इसलिए ये सूक्ष्मता को पकड़ने के आदत मन को आएगी, ऐसे में कोई भी विषय को आप तुरंत ग्रहण कर सकते, क्योंकि यथार्थ विषय को ग्रहण किया तो क्या होगा, सही ग्रहण होगा, वो ज्ञान नित्य होता है, ये स्वभाव उस बुद्धि को आ जाता है। ये बोल रहे यही अध्यात्म प्रसाद है। भूतार्थ विषय क्रम अनुरोधी, ये क्रम संबंधी एक बात इसमें विलक्षण है। किसी भी ज्ञान में एक क्रम होता है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसका विचार आगे कई सूत्र में आने वाले हैं। ये क्रम के ज्ञान से ही को बहुत कुछ काम हम करते हैं। जैसा अभी हमने वो संकीर्ण ज्ञान को अलग अलग कर दिया था, उसमें भी एक प्रकार का क्रम वो बताएंगे। कोई भी ज्ञान होता है उसमें एक क्रम होता है। वो बोलते हैं योगियों से इधर को क्रम अनुरोधी ज्ञान ही होता है और योगियों को क्रम अनुरोधी ज्ञान होता है, उनको क्रम का रोध नहीं होता। क्रम का मतलब ये देश काल आदि सब उसमें मिश्रित हो गए, कई चीज मिश्रित हो गए, पूर्वापर भाव ये सब मिश्रित होता है, तो आप वस्तु का सही ज्ञान नहीं कर सकते। अब इसी के द्वारा ही सर्वज्ञता की भी व्याख्या हो जाएगी। कैसे कोई सर्वज्ञ होता है, ये क्रम अनुरोधी ज्ञान के कारण ही हम अल्पज्ञ हैं, और क्रम अनुरोधी ज्ञान यदि होगा तो सर्वज्ञ होंगे। ये सूत्र आगे आएगा, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु, तीसरे पाद में आएगा, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत इत्यादि क्रम के लक्षण आएगा चार चतुर्थ पाद में, 33वां सूत्र अंत में लगे। और क्षण तत्क्रमयो हो सम्यगमाद विवेकजम ज्ञान, यहां भी क्रम के बारे में कहेंगे। तो ये जो है कई सिद्धि के लिए भी कारण है, जो हमारे मन में वृत्तियां होते हैं उसी को लेकर के ही सारे कुछ है, कोई नई चीज नहीं ला रहे, जो आपको होता है अनुभव में उसके लेकर के, तो इसलिए वहां इसको स्पष्ट करेंगे। तो क्रम अनुरोधी नहीं होने पर उनको विषय का ज्ञान स्पष्ट होता है, ये निर्विचार वैशारद्य के फल से। तो बोलता है इसके लिए क्या प्रमाण है, तो एक कारिका देते हैं, प्रज्ञा प्रसाद आरुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। इनके स्तुति के लिए कारिका दिया। इस स्थिति में पहुंचने वाले जो योगी होते हैं वो सबको एक साथ देखता है। कैसा देखता है, जैसा कोई चार मंजिला मकान में खड़ा है और नीचे चलने वालों को देखता रहता है, इसी प्रकार ये भी प्रज्ञा प्रसाद आरुह्य, ये प्रज्ञा रूप प्रसाद, ये जो अध्यात्म प्रज्ञा रूप प्रसाद में स्थित होकर के सबको सामान्य रूप से देखता है, जानता है, सब कुछ जानता है, उसकी एक विलक्षण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान यथार्थ रहने के कारण इस प्रकार के स्थिति को बता रहे स्तुति के। अब इस प्रज्ञा का जो योग मत के अनुसार प्रचलित एक नाम है, इस अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करने के बाद जो स्थिति है, जो प्रज्ञा उसको होती है, उसका नाम आगे बता रहे हैं, रिदंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र प्रज्ञा मतलब ये जो निर्विचार वैशारद्य के स्थिति में सबीज समाधि के द्वारा जो प्राप्त प्रज्ञा है वो है तत्र प्रज्ञा, उस स्थिति में प्राप्त होने वाली प्रज्ञा। ये प्रज्ञा शब्द प्रयोग करते समय बुद्धि को ही लेंगे, किंतु प्रखर ज्ञान ये विशेष अर्थ भी उसमें आता है। प्रखर ज्ञान जो स्पष्ट निश्चित जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान
उसको कहने के लिए प्रज्ञा शब्द का प्रयोग इसमें करते हैं। तो बुद्धि है, बुद्धि में एकदम प्रखर ज्ञान हो जाएगा, स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा, और उस ज्ञान का नाम है हृदम भरा। हृदम शब्द का अर्थ आप जानते हैं, बुद्धि में सुपरिनिश्चित अर्थ को हृदम कहते हैं। हृदम माने निश्चित अर्थ, और निश्चित अर्थ को ही जानने वाला हृदम विभर्ति इति हृदम भरा। हृदय को धारण करते, मतलब जो निश्चित अर्थ है उसको ही वो प्रज्ञा धारण करती है, अयथार्थ अर्थ को वो धारण नहीं करती। हम अयथार्थ अर्थ को इसलिए धारण कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो ज्ञान है, देश काल निमित्त पूर्व अपर, ये बहुत सारे अन्य हेतुओं से संकीर्ण है, इसलिए वो सब आकर के उस ज्ञान को बाधित कर देता है, इसलिए कोई विषय का ज्ञान हमारा स्पष्ट नहीं हो पाता। उनका विश्लेषण करके परिशोधन करने पर, स्मृति परिशुद्धौ जैसा कहा था वैसे परिशुद्धि करने पर ये स्थिति प्राप्त होती निर्विचार में, तब उसका यथार्थ ज्ञान होता है, इसको हृदम भरा प्रज्ञा कहते। तो ये भी उसके लिए भाष्यकार ने एक कार्य का ध्यान दिया, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यासेन च ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रगल्पयन प्रज्ञां लभते योगम उत्तमम इति। बोलते हैं ये रिधम्बरा प्रज्ञा में रिदम शब्द का प्रयोग आप किस अर्थ में किया, क्या तात्पर्य? बोलते हैं कि जितने भी ज्ञान आपको लौकिक में होता है और शास्त्र से होता है, गुरु परंपरा से होता है, जितने भी प्रकार का ज्ञान आपको होता है, उन ज्ञानों में सबका अर्थ इसमें परिनिष्ठित रहता है, उस ज्ञानों का सही अर्थ आपको यहाँ समझ में आए, इसी यही यहाँ रिदम शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य है। इसलिए रिदम को लेकर के ही प्रज्ञा को विचार करिए, ऐसे जिसके प्रज्ञा हो गई वो वेदार्थ को सरलता से जान पाए, क्योंकि वो उसका सत्य सच्चिदानंद आदि जो स्वरूप है, वेद का जो भी तात्पर्य है, जो भी कहता है, उसका अर्थ ज्ञान तक वो जाएगा। इसलिए बोला आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च, यहाँ ध्यानाभ्यास भी लिया है, इसलिए आगम से भी ज्ञान प्राप्त होता है, अनुमान से भी प्राप्त होता है, ध्यानाभ्यास से भी प्राप्त होता है, तो ये तीनों प्रकार से प्राप्त जो जो ज्ञान है वो ये उत्तम योग के स्थिति में स्पष्ट हो जाता है। बोलता है कि ये ज्ञान जो रिदम्बरा प्रज्ञा में हो रहे हैं और अन्य ज्ञान में क्या अंतर है, तो वो भी तो ज्ञान है जो अन्य हमको शब्दार्थ ज्ञान बाकी स्थूल जगत में जब होता है सामान्य, वो भी तो ज्ञान है, उसमें भी निश्चय होता है, उसका भी फल होता है, तो उस ज्ञान में इस ज्ञान में क्या अंतर है, इसके लिए अगले सूत्र कहते हैं, सूत्रकार स्वयं उसका अंदर बताना चाहते हैं रिदम्बरा प्रज्ञा में और इसमें। इसको समाधि प्रज्ञा नाम से भी कहा जाता है और शास्त्रों में बहुत जगह इसके वर्णन है, क्योंकि समाधि प्रज्ञा के द्वारा जिस विषय को जान सकते हैं वो समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही जान सकते। जैसा कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार साइंस को विज्ञान को जानता है उसका ज्ञान, और जो उसमें निपुण जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उसका ज्ञान अलग होता है। सामान्य व्यक्ति पानी को पानी जानता है, पीने के प्यास बुझाने वाली चीज़ जानता है, और जो साइंटिस्ट है, साइंस पढ़ा है, वो जानता है ये पानी तो पानी है ही नहीं, वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा जानता है। अब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन जानेगा, जिसकी प्रज्ञा उसको जानने के लिए तैयार हो गई है वो जान पाएगा, दूसरे को उसको पानी ही बोलना पड़ता है, ऐसे ही व्यवहार करना पड़ता है, उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोले तो नहीं बोलते, अरे ये पानी हवा है बोलने से कोई मानेगा क्या, बोलते ये कहा पानी कैसे हवा है, हवा हवा है, पानी पानी है, तो पानी को हवा बोल रहे आप, और वो तो क्या पानी को नहीं, सारे पृथ्वी को सबको हवा ही बोल रहे, सब गैसेस से बना हुआ बोल रहे, अथवा सब रासायनिक है, तो ये सब कौन जान सकता है, वो जिसको बुद्धि आ गई वो जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए हमारे भी कमी ऐसे है कि जिस विषय को हम जानने के लिए प्रयास रहता है उस तक पहुंचने की बुद्धि को हमने तैयार नहीं की, हमारी बुद्धि तो बाकी विषय में घूमती रहती है, फिर हम बोलते हैं ये तो व्यवहार है भाई, फिर ये परमार्थ है भाई,
वो तो प्रादिवासी ऐसे सब विवाह करके समझाने के लिए रखा है, किंतु सच्चाई ये है कि जब तक आप बुद्धि को वहां ले जाने के अभ्यास नहीं करेंगे तो ये व्यवहार का सत्यता छोड़ना अत्यंत कठिन है, नहीं हो सकता। बोलते रह सकते इधर कुंदो, छोड़ना संभव नहीं। छोड़ने के लिए आपको बुद्धि को वहां ले जाने की ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब तक वो जाएगी नहीं वहां, वो पानी को पानी मानते रहेगी और उसी का सत्यता। और इसके बारे में भी एक रहस्य बात बताएंगे है, ये क्या होता है। हाँ वो ऐसा है संक्षेप में, हम जो सुनते सुनते कुछ कुछ समझते हैं, इनका कहना है आप जो सुनते सुनते समझते हैं ना, इसको वास्तव में मन ने सच माना है नहीं माना है आपको कैसा पता चले। आप कई बार सुना उसको समझा फिर आप बोलता है मैंने जान लिया, ये जान लिया करके आप सोच रहे हैं, मान लिया करके भी आप सोच रहे हैं, किंतु परिणाम कुछ नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं सच्चाई ये है कि आप कुछ भी करो, मन में जितने प्रकार की वृत्तियों में आपकी आवृत्ति होती है, दिन भर में आपके जीवन में जितनी प्रकार की वृत्तियों की आवृत्ति हो चुकी है और अभी हो रहे हैं, मन तो उसी को ही सत्य मानता है, ये ध्यान रखें। आप खाली श्रवण करके सुन करके कई बार पुस्तक पढ़ेंगे हमको वो ज्ञान हो गया, सोचना भ्रम है। वो मान लिया करके मन दिखाता है किंतु माना नहीं, उसकी सत्यता आपके व्यवहार के आचरण के द्वारा जो पूर्व पूर्व संस्कार से संस्कारित होकर के जो काम कर रहा है उसी में ही है। उसको आप मिथ्या कहते रहो कुछ नहीं होने वाला, मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन आप मिथ्या कह रहे हैं ये नहीं कह रहे ये नहीं देखता है। मन क्या देखता है, आप किस से व्यवहार कर रहे हैं देखता, किस भाव से व्यवहार कर रहे देखे, तो बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए अभ्यास जो करते हैं उस समय आपको जो भाव आता है उसमें सत्यता लाने के लिए उसको धीरे धीरे अपनाना पड़ता है, वो अपना बनाना पड़ता है, तब तक उसमें नहीं आ सकता। इसीलिए मन का बहुत बड़ा जादू इसी में है, वो मान करके बैठता है, आप वो सोचता है वो बहुत बड़ा मान लिया। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, दूसरे को उपदेश दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं मन अंधत्व गत्वा उसी को ही मानता है, वही उसके अंदर सत्यता है और दूसरे को वो सत्य अभी स्वीकार नहीं किया, खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया रखा है, वो जो जो आप स्टोर करने के लिए बोला उन्होंने कुछ स्टोर करके रखा, यदि उसको बार बार आप उपयोग करते हैं तो उसको गौरव से लेता है, देखो भाई ये बार बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसका ये तो स्टोरेज ठीक होना चाहिए, तब वो ठीक करके रखता है। यदि आप बार बार उपयोग नहीं कर रहे हैं, उस भाव में बार बार नहीं पहुँचता है तो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है जिसका बार बार आप उपयोग करते हैं उसमें जो प्रथम बार की उपयोगिता, दूसरी बार की उपयोगिता, तीसरे बार की उपयोगिता में यदि अंदर आ गया, उस अंदर को भी मन पकड़ लेता है, बाद में धीरे धीरे उसको हटा भी देता है। आप भले ही आवृत्ति करते रहो किंतु प्रथम बार जितनी तेजी से आवृत्ति होगी, दसवें बार, पंद्रहवें बार या एक महीने के बाद वो आवृत्ति वो नहीं करे, वो बोलता है ये तो खाली ये ऐसे करता है, कुछ नहीं है इसमें मतलब, ये आपका मतलब का नहीं है, ऐसा बोलता है। तो इसीलिए आपको एक एक बार के आवृत्ति में उसको पुनः पुनः स्मरण करना है, तो एक एक बार को आपको श्रद्धा भक्ति भाव वीर्य ये सब अधिक चाहिए। यदि अधिक है तो वो अधिक स्टोर करेगा, एक एक बार कम होते गया तो वो धीरे धीरे उसको भी घटाते जाता है, बोलता है इसका इतना स्टोरेज की आवश्यकता नहीं, इसको इतना इससे मतलब नहीं है। देखिए कैसे कैसे होता है, और उसके लेकर के हम विचार करते रहते हैं बार बार, ये होता नहीं, ये होता नहीं है, किंतु जो पहले बार आपने प्रेशर दिया उस पर जितने तीव्रता दी वो दूसरे बार नहीं दिया, नहीं देने पर मन ने वो सोच लिया ये नहीं हो। जो आपको खाना पहले बार अच्छा पसंद आया, वही खाना को उसी प्रकार आप बना के दूसरे बार खाएंगे तो आप सोचता है उतने पसंद हमको नहीं आ रहे, उतने मजा नहीं आता, तो तीसरे बार होंगे तो उसमें मजा उतनी कम हो जाती है। ये क्यों होता है, यह आपने कभी सोचा ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी आवृत्ति तो आप कर रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं, आवृत्ति का अभ्यास भी आपको हो रहा है, किंतु पहले बार बनाने में, दूसरे बार बनाने में, पहले बार खाने में, दूसरे बार खाने में आपका भाव में अंदर आ गया,
क्योंकि मन और चित्त इत्यादि का परिणाम निरंतर होता रहता है, उसमें भाव में अंदर आएगा। तो भाव में अंदर नहीं आने के लिए आपको वो जिस भाव से आपने पहले बार दिया उससे अधिक उन निमित्तों को जोर से तेजी से लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो दूसरी बार वो मजा आएगी नहीं। ये तो सबका अनुभव है, कोई ऐसी ऊपर की बात नहीं है, सबके सामान्य अनुभव है। इसी प्रकार आपके साधन में भी होता है। आपने पहले बार वैराग्य की स्थिति में जिस ज्ञान को समझा, जिसको सही समझा, वो जितने तेजी से आपको एकाग्रता हो गई या जितने तेजी से आपने घर बार छोड़ा, कुछ दिन के बाद वो ढीला पड़ गया, पट जाता है। क्योंकि उसमें तेजी को निरंतर बनाए रखने के लिए आपके श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतर जो कहा पहले, इसकी आवश्यकता होती है। तो भाव वहाँ चाहिए। तो भाव की कमी से वृत्ति में कमी आएगी और मन जरूर इसको हटाएगा, हटा के दूसरे को रखेगा। हो सकता है वो आप उससे बेहतर समझते हो, बात वो भी हो सकती है कि पुराने को हटाया थोड़ा अच्छा नहीं था, फिर दूसरे को लगाया, ये भी हो सकता है, सब संभव है। किंतु हटाएगा जरूर यदि आपने ठीक से उसको पकड़ के नहीं रखा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इतने इससे भी मतलब क्या बोलते, इससे सरलता से, इससे सूक्ष्म अपने मन को समझ करके संस्कार बनाने वाला कोई और धर्म नहीं है। इतना सूक्ष्म से उन्होंने व्यक्ति के सारे मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारे सारे धार्मिक आचरण बना हुआ है। इसको जितना आप गहराई से स्टडी करेंगे उतना आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उन्होंने इसको समझा फिर लगाया इसको। तो वो आचरण में लाते समय जो जो उन्होंने कहा नियम, आप उसका यदि पालन करते हैं तो प्रतिदिन आपको इसकी वृद्धि करने में मदद मिलेगी। बदलाव हो रहा है, वो बदलाव अनिवार्य है, बदलाव होता है, किंतु बदलाव होने पर भी उसका आपका ढीला नहीं पड़ जाए। नहीं तो हम सब लोग आरंभशूर होते। आरंभशूर मैंने समझता है, आरंभशूर का अर्थ शुरू करने में तो बहुत जोरदार आरंभ करते, आप बोलते हैं अब हम आज ही करके दिखाएं, किंतु वो घंटों तक के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाते हैं। तो भाष्यकार मैंने व्याकरण भाष्य में इसको कहा गया, और उसमें भी उन्होंने विशेष करके नाम भी लिया, देश विशेष का नाम लिया, बोला आरंभ शूरा खलु दाक्षिणात्या। उसमें भी उत्तर भाग में जो रहते हैं उनके आरंभ शूरता इतनी नहीं है, वो थोड़ा लंबा खींचते हैं, किंतु ये दाक्षिणात्य जो होते हैं ये आरंभ शूर होते हैं, शुरू करते बहुत जोर से किंतु धीरे धीरे ढीला। ये महाभाष्यकार के वचन है, हम ऐसा किसी के लिए नहीं बोल रहे, उन्होंने ऐसे लिखा है, आरंभ शूरा खलु दाक्षिणात्य, दक्षिण भाग में जो रहते हैं वो आरंभ शूर होते हैं, आगे चलाना उनका बस का नहीं होता, ढीला पड़ जाता है, ये कहने का तात्पर्य। तो इसलिए इन्होंने यहाँ अलग कर दिया, जो सामान्य प्रज्ञा से, सामान्य प्रज्ञा में जो स्थिति है उससे यहाँ ये कृदंबरा प्रज्ञा को अलग करने के लिए लक्षण स्वयं सूत्रकार दिया। श्रुदानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, सूत्र स्पष्ट है, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, ये जो रिदंबरा रिदंबरा प्रज्ञा जिसको कहा, वो श्रुत विषयक और अनुमान विषयक प्रज्ञाओं से अन्य है। क्योंकि सुन करके हमको अलौकिक ज्ञान होता है, कुछ सूक्ष्म बातें मालूम होती है, हम समझते हैं, इसलिए मैंने अभी ये जो उदाहरण दिया इसके लिए लिया, हम समझते हैं सुनने के बाद, बहुत कुछ सुनने के बाद समझते हैं, और कुछ बार बार सुनेंगे तो हमको अपनाया, हमारे अंदर आ गए, ये सब भी लगने लगता है, किंतु ये ऐसा नहीं, ये श्रुता अनुमान विषयक से भिन्न है। क्यों है ऐसा? तो भाष्यकार वहाँ कहते हैं ये श्रुता विषयक अनुमान विषयक जो ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता। आत्मा के बारे में सुनते हैं, ब्रह्म के बारे में सुनते हैं, स्वर्ग आदि के बारे में सुनते हैं, ये यहलोक परलोक की बातें बहुत सारे हम सुनते हैं, सुनने के बाद जो हमको ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है। इनका सामान्य ज्ञान का अर्थ है जिसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, वो परोक्ष ज्ञान होता है।
परोक्ष ज्ञान ज्ञान तो है किंतु परोक्ष होने के नाते ही वो अपना नहीं होता है, बुद्धि स्थित मात्र होता है, बुद्धि में उपस्थित मात्र होता है, वो अपना नहीं होता है, सामान्य विषय होता है। इसी प्रकार अनुमान से ज्ञान होता है, पर्वत में धुआं दिखाई पड़ रहा है तो वहां अग्नि है, ज्ञान होता है, सामान्य अग्नि का अग्नित्व तो वहां प्राप्त होता है, इतना ही सामान्य अग्नि का ज्ञान होता है। किंतु कौन सी अग्नि है, कैसी अग्नि है, कितनी जल रही है, कब जल रही थी, क्या हो रहा है, कुछ भी पता विशेष नहीं होता। ये श्रुत अनुमान की बात है, बाकी प्रत्यक्ष आदि में तो बहुत सारे बाधक भी है, इसलिए इन्होंने श्रुत अनुमान को लिया। श्रुत अनुमान से ये भिन्न विषय है, क्योंकि श्रुत अनुमान में सामान्य ज्ञान होता है, उसको विशेष रूप से साधन के द्वारा अनुभव में ला के प्राप्त करना पड़ता है, उसके विशेष रूप से जलाने के लिए हम बाकी साधनों को अपनाते हैं। सामान्य ज्ञान हो गया तो विशेष ज्ञान हमको स्वतः प्राप्त करना, किंतु ये रिदंबरा प्रज्ञा ऐसा नहीं, ये रिदंबरा प्रज्ञा परोक्ष ज्ञान नहीं होता, वो विषय का यथार्थ ज्ञान होता है, जिसमें रिदंबरा प्रज्ञा लग गए या जिस जो विषय रिदंबरा प्रज्ञा में आ गया उसका विशेषार्थत्वाद कहा, विशेषार्थत्वाद माने वो विशेष रूप से ही उसको ज्ञान होता है, वो कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान है, तो विशेष ज्ञान होने के कारण उसका ज्ञान सही होता है। इसलिए मैंने दो दिन पहले कहा था कि ये अन्यवादी भी मानते हैं, नैयायिकादि अन्यवादी भी मानते हैं, जो योगी जब प्रत्यक्ष होता है वो अन्य प्रत्यक्ष से सही होता है। योगी जब प्रत्यक्ष में अन्य उपाधियां वहां नहीं रहते, क्योंकि वो क्रमबद्ध नहीं होता है, क्रमानुरोधी नहीं होने के कारण उसका ज्ञान उस प्रज्ञा के द्वारा बिल्कुल सही होता है। आजकल जैसे बात बता सकते हैं, ये एक तो हमारे आयुर्वेद आदि जो ग्राम गांव के वैद्य होते हैं, या आयुर्वेद के वैद्य होते हैं, एक प्रकार वैद्य ऐसा है, दूसरे प्रकार के वैद्य है जो एलोपैथी में होते हैं, वो क्या बोलते हैं MBBS MD और क्या 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 डिग्री उनके पास होता है, वो तो देश विदेश से जितने भी डिग्रियां ज़्यादा होते हैं वो एक प्रकार का अलग वैद्य होता है। अब एक रोगी है, पहले जाता है अपने गांव के वैद्य के पास जाता है, वो वहां जाकर के ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ पकड़ के इधर उधर देखता है और इधर देख के बताता है, हाँ ऐसा ऐसा करो, वो सब देख करके बताता है, तुमको ये रोग है, ऐसा ऐसा है, ये दवाई है, इसके लिए ऐसा ऐसा पथ्य करो, ऐसा ऐसे जीवन रखो, कुछ दिन में ठीक हो जाए। अब वो सुनने वाले को ये वैद्य का जो ज्ञान है इसमें अपरोक्षता नहीं दिखता, उसको दिखता है ये तो इधर पकड़ने से पकड़ने क्या है, हम भी तो इधर पकड़ते रहते हैं, हाँ इधर तो हमको पकड़ता है, हम भी पकड़ते हैं, इसको क्या पकड़ने, हमारे पकड़ने में क्या है, ये तो हो सकता है इन्होंने ऐसे ही बता दिया होगा, है तो देखते हैं दवाई हाथ में लेते ही आधा उन्होंने जो कुछ बताया तभी से संशय चालू होता है, इसका जो जांच इलाज है ये सही होने में कोई प्रमाण नहीं दिखता। अब कुछ दिन दवाई खाता है, बाकी सब तो देखेगा नहीं, क्योंकि पहले तो उसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं आया, अभी वो पकड़ के देखने में क्या हो, और उसको समझ में नहीं आता ये पकड़ने से सब कुछ इसको कैसे पता चले, और खाली वो पूछता है कि कितना तुम पहले क्या खाया था, फिर ये किया था, तुम्हारा क्या क्या हो गया, इतना पूछता है, अरे ये तो कोई भी पूछ सकता है, इसमें वैद्य होने की क्या जरूरत है। ऐसा हो के हमारे मन में वो बैठ जाता है, फिर जाता है उस डॉक्टर के पास जिन्होंने विदेश में लंदन पर्यटन करके सब लिगड़ी गुगड़ी ला करके रखा हुआ है, और पूरे कमरे में बड़े बड़े जो है मिशन लगा रखा है, और जो है फिर हम उनके पास जाते हैं, और उनके पास जा करके यही बात बताते हैं, ये पहले नहीं वहाँ गया ये नहीं बताएंगे, पहले दवाई खाया ये भी नहीं बताएंगे, वहाँ जाके ऐसे ऐसे रोग हो गए बताएंगे। अब वो भी ऐसे करता है, उसके पास एक होता है वो लगा करके इधर उधर देखता है, अब उसके बाद तो फिर बाद में बोलता है आपको ये टेस्ट वो टेस्ट आप सब चार पांच टेस्ट करना, वो सब उसके दूसरे कमरे में प्राप्त होते हैं, पैसा दे दो वो सब करो, फिर वो सारे रिपोर्ट देगा, अपने आप ऊपर नीचे करके देखेगा, देखने के बाद जो है अब वो रोगी को बताएगा तुमको ऐसा ऐसा हो गया, ये दवाई खाओ ठीक हो, अब उसको विश्वास आता, विश्वास आता। क्या है विश्वास का कारण, ये तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं देखा, देखा तो भी बाद में वो चीज लगाया, वो क्या बोलते हैं उसका जो हाँ वो लगाया, तो ये तो उसके पास नहीं है, रोगी के पास नहीं है, सोचता है ये तो इसके पास कुछ विशेष है,
है कि वो उसको नहीं जान सकते। और बाद में जो बड़े बड़े मिशन में लाइट लगाया, फिर क्या क्या लगाया, उन्होंने दबाया दुबाया, ये भी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब इसका ज्ञान जो है प्रामाणिक। और जो फोटो वो लाता है उधर से, जो छपा करके गोभी लाता, वो भी इधर उधर देखता है, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो बोलता है ये तो बिल्कुल इसका विशेषज्ञ है, वो पहले वाला तो ऐसे ही हमारा जैसा है, उसको क्या है। अब उसको विश्वास आएगा, दवाई खाएगा, सब कुछ। ये है विशेष ज्ञान। ये विशेष ज्ञान में ही हम विश्वास रखते हैं। सामान्य होगा तो नहीं है, कुछ ना कुछ विशेष होना चाहिए। और वो भी जानता है कि इसका रोग इतना बड़ा नहीं है, किंतु जब तक मैं ये सारा दिखाऊंगा नहीं, कुछ पैसा भी वो खर्च नहीं कराएंगे, ये फोटो फाटो नहीं लेंगे, तब तक हमारे दवाई पर उसके विश्वास नहीं है। अब इतना लेने के बाद वो रोगी बाहर आके क्या कहता, अरे क्या टेस्ट कराया उन्होंने, सारा पता लगाया, ऊपर नीचे से हमारा खाजा 5000 रुपये खर्च हो गया, बिल्कुल उन्होंने सब कुछ मिला, अभी ठीक हो जाएगा। अब वहीं से लेकर उनका ठीक होना शुरू होता है। इसीलिए ये विशेष ज्ञान, ये विशेष ज्ञान जो होगा वो विशेष व्यक्ति के द्वारा विशेष तरीके से होता है। अब ये जो बोल रहे हैं योगज प्रज्ञ, योगज प्रज्ञ के पास ये विशेष यंत्र है, क्या है, इनकी जो बुद्धि, इनकी जो बुद्धि तैयार हो गई, प्रखर बुद्धि जो तैयार हो गई, वो सामान्य बुद्धि से अलग यंत्र है। ये यंत्र को उन्होंने बहुत ट्रेनिंग करके तैयार करके बनाया, इसीलिए उसमें जो सही निकलेगा वो सही निकलेगा, वो हमारे ये डॉक्टर के मिशन जैसा है, बिल्कुल सही निकलेगा, गलत नहीं निकलता। और कोई गलत निकलेगा तो भी आप दिखा करके बोलेंगे भाई ये गलत निकला, वो बोलता नहीं हमारा कंप्यूटर कभी गलत नहीं बोलता। वो आजकल लोग ऐसे बोलते, पैथोलॉजी में कहीं भी जाओ वो बोलता है नहीं कंप्यूटर कभी गलत नहीं बोल सकता, वो तो बिल्कुल सही बोलता। अरे उसमें गलत होने की क्या क्या संभावनाएं रहती है, वो तो सारे बिजली से चलता है, उसके अंदर कोई कीड़ा घुस गया, कुछ भी हो गया तो उसका सब दूसरा आएगा। और कई बार ऐसे गलत भी होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं इस प्रकार से, लेकिन ये लोग तो जानते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई धूल दूसरा घुस गया तो वो इसके साथ उसका भी नाप लेगा, माप लेगा, उसको क्या पता ये तो धूल है, ये तो आदमी है करके क्या पता, वो कुछ नहीं पता नहीं। तो बहुत कुछ उसमें खराबी हो सकते है, गलती हो सकते है, और बिजली के फ्लक्चुएशन से और बहुत सारे कारण होता है, उसमें बदलाव आ सकते, किंतु ये तो नहीं जानता है लोग, विश्वास के चलता है। तो ये विशेषार्थ का ज्ञान के लिए ये योगी के पास विशेष मन प्राप्त हो गया, इसलिए इन्होंने विशेषार्थ को प्राप्त कर लिया, तो उनका ज्ञान ज्यादा सही होता है। तो ये अनुमान आदि के बारे में पूर्व में जो कहा उसको ही इन्होंने भाष्यकार ने यहाँ कहा है। और अंतिम में भाष्य में कहते हैं समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सविशेष विशेषो भवति भूत सूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा तस्मा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया। ये अंतिम पंक्ति में है, समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सविशेषो भवति, ये जो भूत सूक्ष्म से लेकर के आगे के जो जो ज्ञान आपको होना चाहिए, मतलब तन्मात्रा आदि से लेकर के जो सत्व पर्यंत जो ज्ञान है वो सारे विशेषार्थ विषयक है, ये सामान्य ज्ञान में आने वाला नहीं है, इसलिए वो समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही ग्राह्य होता है। हमारे वेद में कहे हुए बहुत सारे विषय भी समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही ग्राह्य है, सामान्य प्रज्ञा का ग्राह्य विषय नहीं है। तो उस स्थिति में पहुंचने पर ही उसको प्राप्त हो सकता है, वैसे ही वो समझ जा सकता है, इसलिए वो प्रज्ञा को उस तल पर ले जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको विशेषार्थ ज्ञान कहा गया। ये एक मतलब मन को उन्होंने इस प्रकार से, बुद्धि को इस प्रकार से प्रखर बना करके तैयार कर दिया, किसी भी चीज का अंदर तक वो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्थूल से शुरू किया, स्थूल से धीरे 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 सूक्ष्म तक गया, और सूक्ष्म में उन्होंने स्थिरता प्राप्त की। तो कोई भी बाह्य विषय है वो विषय का कारण सूक्ष्म होता है, तन्मात्राएं होती है, तो तन्मात्रा तक किसी विषय को आप जान सकते हैं, तो उस विषय का ज्ञान विशेष हो गया, विशेष ज्ञान। अब बोलते हैं कि ये समाधि प्रज्ञा यहाँ तक की प्राप्त हो गई, तो समाधि प्रज्ञा में रहने वाले जो विशेष योगी है उनको क्या होता है, उनको क्या फायदा होता है, और उस स्थिति से वो आगे कैसे बढ़ते हैं, फिर वहाँ उनके कितने समय तक रहता है, उसको रहने का क्या कारण है उस स्थिति में रहने का, ये प्रक्रिया में बताते हैं, इसको विस्तार तो आगे ही करेंगे, सामान्य बता रहे हैं।
तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी ये बोल रहे हैं तज्जह संस्कार ये निर्विचार के अभ्यास से इस प्रकार से रिदंबरा प्रज्ञा में जो रहते हुए जो संस्कार आपको उत्पन्न होगा। यहाँ संस्कार शब्द का अर्थ वासना सहित लेना है। पहले हम संस्कार और वासना इत्यादि को अलग करके बताए थे, यहाँ जो अभ्यास के कारण हो रहा है इसलिए वो उसमें वासना भी है और संस्कार भी है और बाह्य जो अभ्यास की वृत्तियाँ भी स्थूल में है, तो ये सब मिला करके मतलब बाद में आने पर वृत्तियाँ हो जाएंगी। और ये समाधि को बार बार आपने अभ्यास किया तो अभ्यास किया तो उसका एक आदत, इसका एक छाप मन में तैयार हो जाएगा, वही आदत आपको मन में मन को वहाँ स्थित रखने में मदद करता है। इसलिए बोले तज्जह संस्कार, तज्जह मन निर्विचार से उत्पन्न जो संस्कार है, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाने पर वो अन्य संस्कारों को मतलब विक्षेप संस्कारों को रोकता है, उसको प्रतिबंध करता है। नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल वो प्रतिबंधित स्थिति में है, वो काम नहीं कर पाए, इसलिए अन्य संस्कार माने विक्षिप्त संस्कार, विक्षिप्त संस्कारों का या व्युत्थान संस्कार जिसको व्युत्थान शब्द से कहा गया, और जो हाँ संप्रज्ञा के एकाग्रता के ये एकाग्रता के अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एकाग्रता के अंतिम स्थिति को लेके बाकी जो तीन है उसका जो जो संस्कार पूर्व में था उसमें सब एकाग्रता समाधि होती थी, अब वो सब नहीं होंगी, वो प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि इसी को ही आप लागू कर रहे, जैसा हमने पहले बताया तेजी से तीव्रता से आप इसी को ही कर रहा, इसलिए अन्य संस्कार प्रतिबंध, अन्य संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति, वो संस्कार जो संस्कार को आपने किया है। तो भाष्य में इसका अर्थ सामान्य कहते हैं कि समाधि प्रज्ञा प्रभाव संस्कार व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते, समाधि प्रज्ञा में उत्पन्न ये जो संस्कार है इसके जो आवृत्ति के कारण हुआ उसको व्युत्थान संस्कार को वो बाधित कर देता है, रोक देता है, और तब क्या होगा, व्युत्थान संस्कार से आने वाले जितने प्रत्यय थे वो अभी उत्पन्न नहीं होंगे। उत्पन्न नहीं होने पर क्या होगा कि ये इसी के बीच में चलता रहेगा, आप जो समापत्ति में निर्विचार समापत्ति में स्थित है उसके संस्कार एक एक नव नव संस्कार उसी का ही उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए कहते हैं तथा प्रज्ञाकृता संस्कार इति नव नवो संस्कार आशयो भवति, नए नए संस्कार उस स्थिति में प्राप्त होता ही रहेगा, तो उसमें आपका एक स्थिति जैसी बनी रहेगी, किंतु एक स्थिति में इस प्रकार के नए नए संस्कार के बल पर ही आप एक स्थिति में बहुत समय तक टिक सकते हैं, यदि वो नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। अब बोलते हैं कि ये भी तो संस्कार है, ये भी तो वासना है, अन्य संस्कार के समान ये संस्कार चित्त को चेष्टा युक्त क्यों नहीं करता, चित्त को कार्य में प्रवृत्त क्यों नहीं करता, ये प्रश्न करते हैं। कथम असो संस्कार आदिशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति, साधिकारम मैंने प्रवृत्ति में प्रवृत्त कराना, उसको क्यों नहीं कराता है, तो बोलते हैं नते प्रज्ञा संस्कार प्रज्ञाकृता संस्कारः क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति, ये जो प्रज्ञाकृत ये जो रिदंबर प्रज्ञाकृत जो संस्कार है इनको क्लेशों के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि क्लेशों में राग द्वेष आदि जो कुछ होना था उसका जो कार्य सब इसके बाहर स्थित है, क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल में ही वो है, वो उसके अंतिम स्थिति में पहुंचा हुआ है, इसलिए क्लेशों के द्वारा विक्षिप्त होने की यहाँ आशंका नहीं रहती, तो चित्त वहाँ प्रवृत्त होने के लिए कोई उसका गुंजाइश नहीं है, कार्य नहीं है, इसलिए वो प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए चित्त साधिकारम न करोते, चित्तम ही दे स्वकार्यात् अवसादयंती ख्याति पर्यावसानम ही चित्त चेष्टितम इति, तो ये अपने कार्य से मतलब ये चित्त का जो सामान्य विक्षेप में कार्य था वो भोग संबंधी कार्य था उसको वो रोक देता है, क्योंकि वो संस्कार यहाँ
आकर के इसको रोक नहीं सकते हैं, वृत्ति नहीं बना सकते, या अभी उसी स्थिति में पहुंचा हुआ है, इसलिए इसके आवृत्ति के कारण वो वहां स्थित रहता है। जितने आप आवृत्ति करेंगे ऐसा हो सकता है, एक बार भी प्राप्त होने पर पुनः उसको प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया को फिर अपनाना पड़ता है, ऐसे प्राप्त होते होते धीरे धीरे वहां स्थित हो जाए। अब एक बार प्राप्त हो गया तो आपको उसका अनुभव ज्ञान हो गया, जैसा किसी को नींद का अनुभव है, एक बार भी गाढ़ निद्रा आ गई तो नींद का अनुभव उसको हो जाता है, इसी प्रकार का अनुभव आपको रहेगा, फिर इस प्रक्रिया को आप सरलता से अपना सकते हैं, फिर वहां पहुंच सकते हैं। तो वहां उस स्थिति में रहता है, और उस स्थिति में रहते हुए फिर वहां से आप असंप्रज्ञात में पहुंचे। ये जो निर्विचार वैशारद्य असंप्रज्ञात नहीं है, असंप्रज्ञात के तुरंत पीछे का जो स्थिति है, अब यहां से स्वाभाविक आप असंप्रज्ञात में पहुंचता है, क्योंकि भोग लक्षण के जितने वृत्ति बाहर से आने थे वो कोई इधर संबंधित नहीं करता है, तब आप वहां से असंप्रज्ञात में पहुंचते हैं। इसलिए असंप्रज्ञात का लक्षण अगले सूत्र में गए, तस्या विनिरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। तो ये निर्विचार वैशारद्य जो निर्विचार है, इसका भी निरोध होने पर, इसका निरोध पहले जो आपने अभ्यास किया उसमें कहा था तत्परम पुरुष ख्यातेः गुण वैतृष्ण्यम, ये कहा था परम वैराग्य के बारे में कहा था, ये परम वैराग्य के बल रहने से कारण, क्योंकि पहले आपने निश्चय किया ये गुण सारे, गुण और गुण की वृत्तियां जितने भी है ये सारे हमको बाधित करने वाले हैं, ये पहले आपने करके रखा, इसके बल पर यहाँ आप इस स्थिति से पुनः अंदर करें। इसलिए हमने कई बार वो प्रक्रिया को दिखा, ये उल्टे जाने वाले प्रक्रिया में को आपने पकड़ रखा है और मन उसको सही समझ करके उसी दिशा में जा रहा है, इसलिए वो यहाँ से इधर नहीं जाएगा, अभी इधर से उधर ही जाएगा, इधर जाने के बाद और कहीं जाने की उसकी प्राप्ति है तो वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो जाता है, तो इसीलिए वो परम वैराग्य से होगा। यहाँ से जो निर्विचार स्थिति है ये भी बहुत बढ़िया स्थिति है, यहाँ कोई पहुँच गया तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत आनंद होता है, वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, सब कुछ जो जो समाधि में वो सब कुछ है, किंतु फिर भी ये सूक्ष्मतम वस्तु को लेकर के परिनिष्ठित है, चित्त के वृत्तियों का संपूर्ण निरोध नहीं हुआ, निर्विचार में उस वृत्ति के तत्व पर वृत्ति स्थित है, इसीलिए यहाँ पूरा निरोध नहीं हुआ, तो निरोध नहीं होने से यहाँ से आगे जाना ही है। इस स्थिति को मांडुक्य कारिकाकार ने भी कहा कि ऐसा स्थिति में एक आनंद होता है, उस आनंद में जो योगी नहीं रुकता है वही आगे जा सकता है, ये आनंद यहाँ, और यहाँ इस स्थिति में आप कुछ समय भी क्षण भी स्थित हो जाए तो आपको बहुत सारे सिद्धियाँ, मन संबंधित सिद्धियाँ, प्राप्तियाँ हो जाएंगी, जैसा आप सोच रहे वैसा होने लगेगा, जैसा आप सोच रहे वैसा दिखने लगेगा, ये बहुत सारे कुछ होता है यहाँ, तो उस मन के प्राप्ति के कारण होता है। अब उधर आप रुक गया तो असंप्रज्ञात में नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ से आगे असंप्रज्ञात होना, और असंप्रज्ञात में कोई सिद्धि नहीं होती, ये ध्यान रखना, असंप्रज्ञात योगी को सिद्धि नहीं होते हैं, ये हम वहाँ आगे बताएंगे कि असंप्रज्ञात में कोई वृत्ति नहीं होने के कारण ही सिद्धि भी नहीं होती है, जहाँ वृत्ति के संबंध है, विषय का संबंध है, वहीं सिद्धि रिद्धि सब हो सकते हैं, उसको छोड़ने पर वृत्ति निरोध में कहाँ सिद्धि होना है, कौन सी सिद्धि करेंगे, नहीं होता है। इसीलिए यहाँ से स्वाभाविक तस्याभि निरोधे निरुद्धावस्था में, चित्त के भूमि में ध्यान रखना है, अभी एकाग्र भूमि के अंतिम स्थिति में था आप, वहां से आप चित्त के निरुद्ध भूमि में पहुंच गया, अभी भी चित्त जिंदा है, चित्त तो नहीं हुआ, तो इसलिए तस्याभि निरोधे सर्व निरोधात् योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो लक्षण किया उसको यहाँ अंतिम सूत्र में समाप्त कर रहे, सर्व निरोधात् सब वृत्तियों का निरोध हो गया, निरोध होने पर निर्बीज समाधि, यहाँ बीज कोई नहीं है, बीज कौन था, वो विषय ही था, विषय विषय संबंधित जो भी वृत्तियां है वो सारे बीज थे, कारण थे, आगे कुछ उत्पन्न करने के लिए कारण थे, यहाँ तो उस प्रकार से नहीं है, कारण कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए ये निर्बीज, निर्बीज मतलब वृत्ति पूरे नष्ट, कोई कारण, कोई विषय, कोई संबंध नहीं है, ध्यान के एकाग्र विषय कुछ भी
नहीं है, ऐसा एक क्षण के लिए होता है। और ये तो अभी बता दिया, इसका प्रक्रिया और बताएंगे। इसमें एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के अंतर्गत ये समाधि प्राप्त होती है, इसको समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम इत्यादि नाम से आगे बताएंगे, तब आपको स्पष्ट होगा ये कैसे अपने आप प्राप्त होता है। अभी हम जिस अभ्यास को जानते हैं वहाँ हमेशा हमारा प्रयास काम करता है, यहाँ एक ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल देंगे। जैसा आपको निर्वितर्क समाधि हो गई, निर्वितर्क में सवितर्क हो गया, और सवितर्क से निर्वितर्क में आ गया, निर्वितर्क से सविचार में आने के लिए हमने बोला था वहाँ सूक्ष्मता का एक आदेश होगा करके कल बोला था, तो वो आदेश के बाद तो फिर प्रक्रिया जारी रहती है, क्योंकि वो सिस्टम अपने आप ले जाके वहाँ छोड़ देता है, प्रयत्न वहाँ समाप्त हो जाता है, उसके बाद प्रयत्न फिर आगे है ही नहीं। कुछ प्रयत्न का लेस तो निर्विचार तक चाहिए तो कह सकते हैं, किंतु उसके आगे तो प्रयत्न रह ही नहीं सकता, वो ही अपने आप ले जाना पड़ेगा। ये अपने आप कैसे ले जाता है, ये सूत्र अपने आप बताएगा, इसलिए निर्बीजा समाधि बोला, बीज वहाँ समाप्त हुआ सबके निरोध होने पर। निरोधा संस्कारा समाधिजान संस्कारान बाधदे की, ये निरोध संस्कार जितने हो गया, पूर्व जो एकाग्रता संस्कार एकाग्रता समाधि में जो जो होता था उसको वो बाधित करता है, बाधित करने के कारण ये संप्रज्ञात में आप टिक पाते हैं, और पहले पहले शुरू में कम टिकता है, उसके बाद फिर आप निर्विचार में जाते हैं, फिर असंप्रज्ञात में आते हैं, फिर निर्विचार में आते हैं, ऐसा कुछ क्षण तक रहता है, ये परिणाम प्रक्रिया में होगा, उसके बाद आगे जाएगा है? तो आगे जाने पर कहता है ये जो असंप्रज्ञात जिसको प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया मतलब और कुछ नहीं समझना, असंप्रज्ञात को जिस प्रज्ञा ने समझ लिया, जिस बुद्धि सत्व ने असंप्रज्ञात का अनुभव कर लिया, एक बार अनुभव कर लिया, क्योंकि ज्ञान जानेगा करके बोलने पर आप सोचते हैं फिर वहां भी कुछ जानने की वृत्ति होगी इत्यादि, कुछ नहीं, उसमें वो अनुभव आ गया, तो अनुभव आने पर वो उसको समझ लिया, समझने पर वो बुद्धि अभी कैवल्य में जाने में योग्य हो, इसको यदि अभ्यास ज्यादा करेंगे तो कैवल्य में वो जा सकती है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का जो सूक्ष्मतम भेद है वो इस बुद्धि में आ सकता है, और सत्व और पुरुष का, चित्त और जड़ का, और ये जो भेद है इसका समझने में ये बुद्धि हो जाता है, इसलिए इनको ये बुद्धि को ये कहते हैं कि कैवल्य भागीय ही संस्कार ही चित्तम स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायाम प्रविलीयते। ये कैवल्य भागीय है, कैवल्य भागीय मतलब कैवल्य तक पहुंचा देती है, उसके बाद नहीं होता। और जिसको हम ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति बोलते हैं, इस वृत्ति से इसमें अंदर है, ये स्थिति में ब्रह्माकार वृत्ति की प्रक्रिया में वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति रहती है, और यहाँ कोई वृत्ति नहीं रहता। ये भाष्यकार ने बृहदारण्यक भाष्य में इन दोनों का भेद को बिल्कुल अलग किया कि निरोध समाधि में और हमारे ब्रह्माकार वृत्ति समाधि में अंदर है। ब्रह्माकार वृत्ति समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति शेष रहती है और यहाँ कोई वृत्ति नहीं रहता, किसी प्रकार की वृत्ति ये नहीं मानते हैं, इसलिए दोनों में भेद है। बृहदारण्यक भाष्य में आपको ये प्रथमाध्याय में ही आता है, एक जगह उसमें बोला था निरोध यदि चेत, ऐसा करके भाष्य शुरू करता है, फिर वहाँ बोलता है कि इसमें दोनों में अंतर है, तो ये स्थिति ऐसा होने पर भी अंतर है, किंतु फल में कुछ परिणाम होता है, हमारे जो उसका द्वारा जो फल होता है वो अलग है, इसका द्वारा होने वाला फल अलग है। इस प्रकार यहाँ स्वरूप स्थिति के पहुँचने के चित्तवृत्ति निरोध से जहाँ आरंभ किया था उस तक पहुँचने के एक प्रकार के उत्तमाधिकारी होंगे, जो पहले से संयमित है, एकाग्र चित्त है, इस प्रकार के स्थिति को समझने में योग्य मन जिसका है उसको लेकर के यहाँ तक सारे विकल्पों की चर्चा की, तो बोलता है ये स्थिति को जो पहुँच गया है उसको शुद्ध मुक्त इत्युच्यते, उसका एक नाम दे दिया, वो स्वरूप प्रतिष्ठ होता है, द्रष्टु स्वरूप अवस्थान कहा था, तो द्रष्टु स्वरूप अवस्थान में स्थिति में जो पहुंचता है उसको शुद्ध मुक्त, शुद्ध मुक्त मान जीवन मुक्त नहीं है, ये शुद्ध मुक्त है, यानी स्वरूप को उन्होंने अनुभव कर लिया, जैसे शांत हुआ जो जल है
निस्तरंग जो जल है उसके अंदर जो है उसको आप सीधा सीधा साफ साफ देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। इस प्रकार इन्होंने स्वरूप प्रतिष्ठित कर दिया, किंतु अभी कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ। कैवल्य प्राप्ति के लिए ये उत्तम बुद्धि जो चाहिए उसको उन्होंने तैयार कर लिया अभ्यास। तो यहाँ तक प्रथम पाद समाप्त होता है। इति पादंचले सांख्य प्रवचने योगशास्त्रे समाधिपादः प्रथमः। ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।